दोस्तों आइटम सॉन्ग पर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, क्यों बढ़के हैं फैंस केजीएफ की तारीफ पर, और आखिर क्यों दिखी फैंस में यश को लेकर नाराजगी। दोस्तों आज तक हमने केजीएफ के प्रशंसकों और उनकी बेसब्री की बात की है, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ये बेसब्री नाराजगी में बदल गई। बिल्कुल इंतजार न कराते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको केजीएफ के एक नए रूप से अवगत कराते हैं। दोस्तों से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज में। मैं अनिकी गरिमा अरोड़ा आज आपको केजीएफ से रिलेटेड सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप तो अच्छे से जानते हैं किसी भी सुपरस्टार को स्टार बनाने में सबसे बड़ा हाथ उसके प्रशंसकों का होता है। एक प्रशंसक में इतनी ताकत होती है कि वो किसी हीरो को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि अभी हालात इतने खराब नहीं हुए कि कोई बर्बाद हो, लेकिन अगर प्रशंसकों का गुस्सा बढ़ गया तो फिर क्या होगा तेरा केजीएफ। खैर दोस्तों गुस्से की बात हुई और आइटम सॉन्ग की बात ना हो थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि हम सब जानते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई भी चीज सिर्फ अच्छी नहीं होती और कुछ भी पूरा बुरा नहीं होता। वैसा ही हुआ हाल ही में सामने आए केजीएफ टू के आइटम सॉन्ग के साथ। दोस्तों कुछ लोगों को तमन्ना का वो सॉन्ग काफी पसंद आया और उन्होंने इसकी काफी तारीफ भी की, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों को तमन्ना उस गाने में बिल्कुल नहीं जची। किसी ने उनकी ड्रेस तो किसी ने उनके डांस मूव्स पर भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, जिससे तमन्ना सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल होती नजर आ रही हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी तमन्ना का इन सब पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा है थोड़ा ट्रोल हो जाऊंगी तो जरा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। भाई वाह तमन्ना, क्या एटीट्यूड है आपका। और दोस्तों इतना ही नहीं, लोगों ने सिर्फ तमन्ना को नहीं बल्कि अपने गुस्से को केजीएफ के डायरेक्टर यश पर भी काफी जमकर बरसाया है। अब क्यों ना बरसाएं भाई, इंतजार की भी हद होती है, आखिर कोई कब तक किसी का इंतजार कर सकता है। लोग इनसे तारीफ मांगते हैं तो ये हर बार ठेंगा दिखा देते हैं। ये तो राजपाल यादव के डायलॉग का उल्टा हो गया, तुम दूध मांगोगे तो मैं तुम्हें दूध का पाउडर भी नहीं दिखाऊंगा। अब बताओ दोस्तों इस बात पर कोई कैसे नहीं भड़केगा। भाई जो लोग कोरोना के चलते काफी इंतजार कर चुके हैं और डायरेक्टर साहब अब सितंबर की कही कर जाने कब तक और इंतजार कराने वाले हैं, इसका किसी को कुछ नहीं पता। और जाहिर है जहाँ प्यार होता है वहीं तो गुस्सा भी होता है, ये हमारे डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों इसलिए महीने में एक पोस्टर तो लोगों को दिखाई देते हैं ताकि इनका गुस्सा शांत रहे, पर डायरेक्टर साहब ये पब्लिक है सब जानती है, अब सिर्फ चकले भर से काम नहीं चलेगा, अब तो दर्शकों को पूरा मेन कोर्स चाहिए ही चाहिए। इस बार हमारे डायरेक्टर साहब देखो कौन सी तरकीब लाते हैं लोगों को फुसलाने के लिए, देखना काफी मजेदार होने वाला है दोस्तों। लेकिन इसमें अब डायरेक्टर साहब की भी क्या गलती है, अब कोरोना की वजह से कुछ रुका तो उसको दोबारा चालू करने में वक्त तो लगता है ना भाई। लोग अब थोड़ा सा तुम्हें ही समझना पड़ेगा। हम तो बस आशा करते हैं आप सबकी बेसब्री और मूवी के आने का इंतजार जल्दी खत्म हो जाए। और दोस्तों इंतजार से याद आया, कल हमारी वीडियो पर किसी यश के प्रशंसक का कमेंट आया था, यश भाई बहुत दिन हो गए आप इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों किसका कमेंट है ये तो हम नहीं बताएंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि फिलहाल हम आपके यश भाई के संपर्क में नहीं है, लेकिन जैसे ही उनकी कोई कॉल या मैसेज आएगा हम कह देंगे कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दें। भाई वाह दोस्तों क्या चाहने वाले हैं। मजाक से हटकर अच्छा लगता है जब आप लोग इस चैनल को इतना सराहते हैं, आप सबका हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को प्यार करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, हमें ऐसी ही नई ताज़ा ला कर आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। बाय दोस्तों।